कैसे हो मेरे पबजी और फीजी माई लेवर फाइव, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। और गाइस आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा मंथ फाइव रॉयल पास के लीक्स के, आपको मंथ फाइव के रॉयल पास के अंदर क्या क्या मिलने वाला है, टायर रिवॉर्ड के लीक्स, आरपी रिवॉर्ड के लीक्स, गाइस सब कुछ आज दिखाऊंगा इस वीडियो में जो कि आपको मंथ फाइव के रॉयल पास के अंदर मिलेगा। तो हाँ मेरे भाई, ये वाली वीडियो काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है गाइस, इसीलिए वीडियो को अंत तक वॉच करना, साथ ही वीडियो को लाइक करना, चैनल को जो सब्सक्राइब करना। तो चलो करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट विदाउट किसी बकवास, लेट्स गो। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं मंथ फाइव के टायर रिवॉर्ड के बारे में। तो गाइस हम लोग को मिलेगा सबसे पहले ये वाला मार्क्स जो कि हम लोग का ग्रीन येलो कलर के फिनिश में होने वाला है। तो ये दोस्तों आपको मार्क्स गोल्ड नहीं सॉरी सिल्वर टाइम पर पांच मैच खेलने पर बिल्कुल फ्री में आपको ये मार्क्स देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो गाइस जो हम लोग का गोल्ड टायर का आउटफिट वो कुछ ऐसा होगा यहाँ पर दोस्तों, आप देख लो। और ये दोस्तों आपको आउटफिट मंथ फाइव के रॉयल पास के अंदर गोल्ड टायर पर पांच मैच खेलने पर बिल्कुल फ्री में आपको ये वाले आउटफिट मिलने वाले। तो गाइस इस वाले आउटफिट के अंदर भाई बहुत सारे कलर मैचिंग है यहाँ पर दोस्तों, आप देख लो। और ये दोस्तों आपको आउटफिट मंथ फाइव के रॉयल पास के अंदर बिल्कुल फ्री में गोल्ड टायर पर मिलने वाली है। यहाँ पर देख लो इस वाले आउटफिट के साथ दोस्तों हम लोग का ताले वगैरह भी दिख रहा है, तो मस्त मेरे को ये वाला आउटफिट लगा है। और ये आपको बिल्कुल फ्री में हम सभी लोग को मिलेगा गोल्ड टायर पर पाँच मैच खेलने पर, हम सबको ये बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो गाइस कैसा लगा आपको ये आउटफिट नीचे कमेंट करना। और गाइस ये आउटफिट दोस्तों हम लोग को गोल्ड टायर पर पाँच मैच खेलने पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्लेटिनम टायर पर। तो गाइस ये प्लेटिनम टायर पर हम लोग को मिलने वाला है ये वाला दिख रहा था। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों देख लो भाई, एक मतलब हेड है, कवर है, तो अच्छा खासा मेरे को दिख रहा है हेडगेयर। और इस पर दोस्तों एक ताला भी बना है। तो ये दोस्तों आपको प्लेटिनम टाइप पाँच मैच खेलने पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हम लोग को डायमंड टाइप पर मिलेगी कौन सी गन की स्किन। तो गाइज हम लोग को इस बार के डायमंड टाइप मिलने वाली डीबीएस की स्किन। और गाइज ये दोस्तों जो हम लोग का स्किन है वो कुछ ऐसा होगा यहाँ पर दोस्तों, आप देख लो। इसमें दोस्तों बहुत सारे कलर मैचिंग है, ब्लू येलो रेड और भी दोस्तों बहुत सारे कलर इसमें मैचिंग है। तो गाइज यहाँ पर साइकिल सीजन 1S3 लिखा है। तो ये दोस्तों आपको डायमंड टाइप पर पाँच मैच खेलने पर बिल्कुल फ्री में डीबीएस की स्किन मिलने वाली है। और गाइज डीबीएस की स्किन बहुत लोग के पास नहीं होगा, तो गाइस इस बार आपको डायमंड टायर पर डीबीएस की स्किन मिल जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो गाइस जो हम लोग का एस का पैराशूट है वो कुछ ऐसा होगा यहाँ पर दोस्तों, आप देख लो साइकिल सीजन 3 मतलब ऐसा कुछ लिखा है। तो ये दोस्तों आपको एस टायर पर पाँच मैच खेलने पर बिल्कुल फ्री में आपको ये एस का पैराशूट मिल जाएगा। तो गाइस ये दोस्तों जो हम लोग का पैराशूट है वो हम लोग का येलो रेड और व्हाइट कलर का फिनिश में होने वाला है। तो ये काफ़ी मस्त मेरे को ये पैराशूट लगा है। और ये दोस्तों आपको मंथ फाइव के रॉयल पास के अंदर एस टायर पर पाँच मैच खेलने पर मिल जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग को C1S3 का जो अवतार है वो कुछ ऐसा होगा यहाँ पर दोस्तों, आप देख लो। और ये दोस्तों आपको मिलने वाला है ए स्टार पर। फिर उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जो हम लोग का काउंटर का फ्रेम वो कुछ ऐसा होगा। और ये दोस्तों आपको सब कुछ टायर रिवॉर्ड के अंदर मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं आरपी रिवॉर्ड की ओर। तो भाई सबसे पहले जो हम लोग का आरपी इलाइट कार्ड है वो देख लो, ये हम लोग का मंथ फाइव का है। उसके बाद दोस्तों जो हम लोग का मंथ सिक्स का आरपी और इलाइट अपग्रेड पास का जो कार्ड है तो वो कुछ ऐसा होगा यहाँ पर दोस्तों, आप देख लो। और उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो कहीं चार ये दोस्तों हम लोग का मंथ फाइव के रॉयल पास का आरपी अवतार। और ये दोस्तों यह कुछ ऐसा होगा। और यही दोस्तों हम लोग को आउटफिट मंथ फाइव के रॉयल पास के अंदर लेवल 50 पर मिलने वाला है। तो गाइस जो इसका ऊपर का लुक है यहाँ पर दोस्तों अब देख लो वो कुछ ऐसा होगा। तो गाइस इसी डिजाइन का हम लोग का जो मंथ फाइव का रॉयल पास का लेवल 50 का आउटफिट हुआ होने वाला है। तो गाइस बहुत ही अच्छी बात। और उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यही दोस्तों हम लोग का मंथ फाइव के रॉयल पास का आरपी क्रिएट। और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग को मिलने वाला है इस वाले क्रेट के अंदर ये वाला आउटफिट। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग को यहाँ पर मिलेगा एक विजेट की स्किन। और गाइस यार ये दोस्तों जो उनका स्किन है वो कुछ ऐसा होगा यहाँ पर दोस्तों, अब देख लो। तो भाई हम लोग का विंटर कलर के फिनिश मतलब विंटर टाइप का हम लोग का ये स्किन होने वाला है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को मिलना है पैराशूट का स्किन। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग को यहाँ पर विंटर यानी कि भाई बर्फ टाइप का हम लोग को यहाँ पर मिलने वाला पैन का भी स्किन, तो ये भी यार काफ़ी मस्त है। और उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यार यहाँ पर हम लोग को मिलने वाली एक मोटरसाइकिल की स्किन। तो गाइस वो विंटर टाइम मोटरसाइकिल कुछ ऐसा इसका नाम होने वाला है। और उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जो हम लोग का सीजन 8 का शायद ये वाला आउटफिट मिलने वाला है मंथ फाइव के रॉयल पास के आपको आरपी क्रिएट के अंदर आपको ये वाला आउटफिट मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग को यहाँ पर एक और न्यू आउटफिट मिलने वाला है, उसका कवर मिलने वाला है। फिर उसके बाद दोस्तों और भी दोस्तों हम लोग को बहुत सारे नीचे आउटफिट कवर हेलमेट का स्किन क्लासिक वन के स्क्रिप ये सब कुछ दोस्तों आपको मंथ फाइव के रॉयल पास के आरपी क्रिएट करने मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ फ्रेम और अवतार है जो कि हम लोग को अपकमिंग इवेंट के अंदर या फिर कभी रॉयल पास के अंदर मिल सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लो हम लोग को एक और न्यू ये वाला फ्रेम मिलने वाला है। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग को ये फ्रेम मिलेगा। और ये दोस्तों आपको सब कुछ फ्रेम मंथ फाइव और मंथ सिक्स के रॉयल पास के अंदर इवेंट के अंदर
क्रिएट के अंदर आपको कहीं पर भी ये सारे फ्रेम देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो गाइस बहुत जल्द हमारे पबजी मोबाइल और फ्री मोबाइल के अंदर आने वाला एक न्यू कैरेक्टर जिसका नाम दोस्तों ऐना होने वाला है। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों आप देख लो जो हम लोग का कैरेक्टर का लेवल अप होता है वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख लो हम लोग को लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक का रिवॉर्ड है। हम लोग को लेवल 1 पर ये मिलेगा, उसके बाद लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 10 पर दोस्तों हम लोग को जो एमबीपी का इमोट है वो मिलने वाला है। फिर उसके बाद दोस्तों ये हम लोग का ऐना कैरेक्टर जिसका लुक है वो कुछ ऐसा होगा। उसके बाद दोस्तों जो हम लोग का ऐना कैरेक्टर का जो कुछ इमोट है तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लो ये दोस्तों हम लोग का ऐना कैरेक्टर का इमोट है, उसका इमेज आ गया है। और उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो हम लोग का जो ऐना कैरेक्टर का एमबीपी का इमोट है वो कुछ ऐसा होने वाला है। और ये दोस्तों कुछ हम लोग का अपकमिंग अपग्रेडेबल स्किन है। तो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग को मिलने वाली है एक AWM का स्किन। और उसी के साथ दोस्तों मैं बता दूँ भाई बहुत जल्द हमारे पबजी मोबाइल और फ्री मोबाइल के अंदर आने वाला एक न्यू एक्सूट। जी हाँ गाइस बहुत जल्द हमारे पबजी मोबाइल और फ्री मोबाइल के अंदर आने वाला एक न्यू एक्सूट। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों आप देख लो कुछ ऐसा हम लोग का। और उसके बाद दोस्तों हम लोग का एक ऊजी का भी आने वाला है अपग्रेडेबल स्किन। तो गाइस यार ऊजी का हम लोग का एक आने वाला है अपग्रेडेबल स्किन तो बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग का आने वाला है एक SKS की अपग्रेडेबल स्किन। तो गाइस जो स्किन मैसेज है यहाँ पर दोस्तों अब देख लो अभी स्किन कैसा है वो नहीं आया है, जैसे अगर मैं आपको सबसे पहले दिखा दूंगा, लेकिन जो उसका किल मैसेज है वो यहाँ पर आप देख सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग एक M249 का भी आने वाला है अपग्रेडेबल स्किन। और गाइस जो इसका किल मैसेज वो कुछ ऐसा होगा यहाँ पर दोस्तों आप देख लो। तो ये दोस्तों हम लोग को सारे अपग्रेडेबल स्किन मंथ 5 एंड मंथ 6 के रॉयल पास के अंदर लकी स्पिन क्रिएट के अंदर आपको ये सारे अपग्रेडेबल स्किन देखने मिल जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं कुछ अपकमिंग इमोट की ओर। तो गाइस यार यहाँ पर दोस्तों हम लोग को सबसे पहले तो ये कुछ मिलता है, फिर उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को यहाँ पर कुछ अवतार वगैरह मिलता है। तो उसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने अपकमिंग इमोट के बारे में। तो गाइस जो हम लोग का पहला इमोट है वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख लो जो इसका इमेज है आप वहाँ देख सकते हो। तो ये दोस्तों हम लोग का एक मिथिक इमोट होने वाला है। तो गाइस ये कुछ हम लोग का ऐसा होगा इमोट। अभी इमोट कैसा करता है उसका एनिमेशन नहीं है, जैसे अगर मैं कुछ सबसे पहले खा दूंगा। और उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो जो हम लोग का सेकेंड इमोट है वो कुछ ऐसा होगा। ये भी दोस्तों हम लोग का एक मिथिक इमोट होने वाला है। और ये दोस्तों आपको इमोट मंथ 5 या फिर मंथ 6 के रॉयल पास के अंदर किसी क्रेट के अंदर आपको मतलब ये सारे इमोट्स देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को यहाँ पर एक और इमोट मिलने वाला है और ये इमोट कुछ ऐसा होगा। और फिर उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को यहाँ पर एक और इमोट मिलने वाला है और ये इमोट का जो इमेज है वो कुछ ऐसा होगा। तो ये दोस्तों आपको सब कुछ मंथ 5 एंड मंथ 6 के अंदर मिलने वाला है। तो गाइस बस मेरे भाई लोग यही था आज की इस वीडियो में। तो आई होप दोस्तों आपको ये वाली वीडियो अच्छा लग गया हो। तो गाइस आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी भी कहीं पर भी अच्छा लग गया है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दिया था। और गाइस उसी के साथ दोस्तों चैनल पर पहली बार तो चैनल को जो सब्सक्राइब करके जो साथ में बैल आइकन है उसको भी ऑल पर कर देना ताकि भाई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी और तब तक के लिए। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।